हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप लोगों का मौर्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बैंगन की भी जानकारी देंगे, ताकि आप लोग बैंगन की खेती करते हैं तो हम किसान भाइयों को ज़रूर बताएंगे कि आप लोग बैंगन की खेती किस तरह करें और अच्छा मुनाफा बैंगन से कमा सकें। चलिए मैं आपको दिखाऊँगा, इसमें कई वैरायटियाँ भी हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो भी इसका कोई ज़्यादा खेती नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, दिखाऊंगा वो भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये पहुँच गया हूँ मैं कि बैंगन दिखा रहा हूँ। इसमें ये सब बैंगन लगी हुई हैं अभी, ये देख सकते हैं आप, ये हरा वाला बैंगन है और भी देख सकते हैं आप लोग बहुत से पौधे लगे हुए हैं, लेकिन मैं दिखाऊँगा कि ये अपने घर के बगल में ही हमने, ये देख सकते हैं ये बाउंड्री घिरी हुई है, इसी बाउंड्री के अंदर खेती कर रहे हैं ताकि इन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिलती रहती है। आप देख भी सकते हैं कि ये देखिए, इसमें और भी लाल वाले बैंगन भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं अभी फूल और इसमें बतिये गिर रहे हैं, फल लग रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। इसके लगाने की विधि ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह लगाया जाता है। इसका डबल डबल पौधे लगाएं आप लोग, कभी भी लगाएं, और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी कभी लगाएं तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना होगा ताकि ये कितने कितने फीट पर लगता है। ये कम से कम 2 से 2.5 या 3 फीट के बीच में लगाया जाता है। ये और भी देख सकते हैं आप लोग, ये लगा हुआ है और भी अभी इसमें फूल और बतिया भी हो चुके हैं संपूर्ण, अभी ये चालू हुआ है फरना और अभी ये सब्जी अच्छा रिजल्ट देगी किसान भाई को, और इससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें ये देख सकते हैं ये जो थलहा बना हुआ है, इसमें इन्होंने ये मिट्टी देखिए कितनी उर्वरकदार मिट्टी है इन्होंने इसमें डाई और DAP खादों का प्रयोग किया है, और इसमें देसी खादों का भी प्रयोग किया है, जो हमारी गोबर की खाद होती है उसको भी इन्होंने प्रयोग किया है। और इनका बैंगन ये 2 महीने से ऊपर हो चुका है लगाए हुए, और इनका जो ये है क्या बोलते हैं, ये मिट्टी इधर से उधर लगा दिए हैं ताकि पेड़ में वृद्धि होने लगे, हमारे जो फसल हैं फसल में वृद्धि हो और इसमें फल अच्छे आने लगे। और यदि हमारे किसान भाई आप खेती करना चाहते हैं तो ये किसान भाई की तरह आप भी खेती करें, और आप खेती करने में सफल रहेंगे और खेती करने के लिए बहुत सारी उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है और लागत भी लगानी पड़ती है, ताकि हर एक किसान का यही लक्ष्य होता है कि हम अपनी खेती करके और आगे बढ़ें। इसके लिए मैं उनको जानकारी देता रहूँगा कि यदि वो जब कभी भी खेती करें थोड़ा सोच समझ के करें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए उन्हें कौन सी वैरायटी लगानी है मैं वैरायटी भी बताऊँगा। ये जो है इन्होंने सिजेंटा कंपनी की ये बीज ला करके, और इन्होंने घर पे ही नर्सरी तैयार करके और ये लगाया हुआ है, और इनका अच्छा बैंगन है, और ये और भी बैंगन लगाए हुए हैं लेकिन ये अलग लगाए हुए हैं, मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये बैंगन मैं ज़रूर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें कितने अच्छे बैंगन लगेंगे, ये फूल आप देख रहे हैं, इसमें कितने अच्छे फल लगेंगे,
मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हर एक किसान सक्सेस होना चाहता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कोई रीज़न ज़रूर रहता है, और ये रीज़न वही किसान समझ पाएंगे जो अपने ये सब कर्मों करके गुजर चुके हैं, ये सब किसानी करके वो गुजर चुके हैं, उन्हीं समझ सकते हैं। इसके लिए यदि हमारे चैनल पर नए किसान भाई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन तक पहुंचती रहे, और लाइक भी कर लें। और यदि खेती रिलेटेड उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और हम आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना प्यार भरा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोग किसानी करने में भी बढ़ सकें और आपकी मदद कर सकूं। इसके लिए उन भाइयों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है।